अयोध्या में सुबह 3:30 बजे से रामलला के दर्शन शुरू। मंगल आरती के बाद अभिषेक श्रृंगार और दर्शन, साथ साथ सुबह 5:30 बजे हुई श्रृंगार आरती। जन्मोत्सव पर रामलला का खास श्रृंगार, पीतांबर पोशाक में नजर आए प्रभु राम। पद्म की आकृति और सोने चांदी की अनोखी कारीगरी की गई। ट्रांस नेटवर्क से बोले रामलला की पोशाक बनाने वाले दर्जे, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं रामलला। प्रभु की सेवा में परिवार की चौथी पीढ़ी। रामनवमी को लेकर अयोध्या को खास तरीके से सजाया गया। देश विदेश से लाखों फूल मंगवाए गए। राम मंदिर के गेट के अलावा पूरे इलाके को सजाया गया। राम मंदिर परिसर को फूलों से सजाने भारत के कोने कोने से आए कारीगर, कहा ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हम राम जन्मोत्सव पर सजावट कर रहे हैं। अयोध्या में रामनवमी से पहले अलर्ट पर पुलिस, राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। हैदराबाद पुलिस ने रामनवमी जुलूस की मंजूरी देने से किया इनकार। विधायक टी राजा ने कांग्रेस सरकार पर लगाए भावनाओं की अनदेखी का आरोप। पश्चिम बंगाल में कई संगठनों ने बड़े पैमाने पर रामनवमी मनाने से किया इनकार। हुगली से सांसद लौकिक चटर्जी ने रामनवमी को लेकर निकाली रैली में लिया हिस्सा। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, देवी भद्रकाली का लिया आशीर्वाद, पूजा अर्चना भी की। तमिलनाडु के त्रिची में मरियम मंदिर में उमड़ी भीड़। चिथराई कार उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। जियो लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी कामाख्या मंदिर पहुंचे, देवी की पूजा अर्चना के बाद लिया आशीर्वाद। आज शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको अनिश्चितकालीन आंदोलन। 11 बजे दिल्ली अमृतसर रेल लाइन रहेगी प्रभावित। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग। राहुल गांधी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। राजस्थान के सरकारी स्कूल में अब स्थानीय बोली को दी जाएगी तरजीह। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया निर्देश, प्रदेश की 30 बोलियों का किया जा रहा है सर्वे। पंजाब में बीएचपी के स्थानीय नेता की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने कहा, पाकिस्तान और पुर्तगाल से चल रही मॉड्यूल के जरिए कराई गई टारगेट के लिए। कर्नाटक आईटी ने बेंगलुरु में रियल एस्टेट उद्यमी वेंकट राजू के आवास और कार्यालयों पर मारे छापे। चुनाव के मद्देनजर ब्लैक मनी के शक में की गई रेड। यूपी के अमरोहा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 गौ तस्कर गिरफ्तार, 18 गायों को बचाया गया। प्रयागराज में होटल के पास से महिला कांस्टेबल समेत 2 शव बरामद। मामले की जांच में जुटे पुलिस और फॉरेंसिक टीम। यूपी के संभल में अपराधियों में सीएम योगी का खौफ। 600 अपराधियों ने थाने में आकर अपराध न करने की शपथ ली। हरियाणा के महम में गैंग वॉर, ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक की गई जान, एक शख्स हुआ घायल। घटना का वीडियो भी आया सामने। भारतीय नेवी के आईएनएस तलवार के स्पेशलिस्ट टीम और मार्कोस कमांडोज की बड़ी कार्रवाई। टीम ने जब्त किए 940 किलो ड्रग्स को नष्ट किया। श्रीनगर की झेलम नदी में बोट पलटने से हुई 6 लोगों की मौत। लापता लोगों की तलाश जारी, राहत कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम।
राजस्थान के कोटा में कोचिंग हॉस्टल में लगी आग, जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे दूसरे हॉस्टल की बिल्डिंग पर कूदे छात्र। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। इंदौर में जंगल के पास एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, घटना में 3 मजदूर हुए जख्मी, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। आज थम जाएगा पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार, 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग का एक्स अकाउंट को लेकर एक्शन, कई राजनीतिक दलों और नेताओं की पोस्ट डिलीट कराए गए, गलत बयानी, हेट स्पीच, आचार संहिता उल्लंघन को लेकर हुई ये कार्रवाई। असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुवाहाटी में किया रोड शो, पीएम को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। पश्चिम बंगाल के रायगंज में पीएम मोदी का रोड शो, लाखों की संख्या में लोग जमा हुए। रायगंज में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा बंगाल में नया साल नई आशा लेकर आया है, बीजेपी का संकल्प पत्र, मोदी का गारंटी कार्ड। चेन्नई में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर वार, कहा कच्चा तीवु द्वीप का मुद्दा हर कोई जानता है, जो कुछ किया कांग्रेस ने किया, हमने श्रीलंका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो, लोगों ने बुलडोजर पर बैठकर काफिले पर बरसाए फूल। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में जेपी नड्डा का रोड शो हुआ, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, लोगों ने नारेबाजी। आज केरल के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कासरगोड और कन्नूर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त ऑपरेशन में टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव को भी मार गिराया। जवानों को मौके से कई भारी हथियार बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान बीएसएफ के इंस्पेक्टर समेत 2 जवान जो हैं वो घायल भी हुए हैं। बीएसएफ के डीआईजी आलोक सिंह का बयान आया है, उन्होंने कहा नक्सलियों को घेर कर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ से आई सर्चिंग टीम ने नक्सलियों का काम तमाम किया। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान है, उनका विकास, शांति और उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन नक्सलवाद है। सुरक्षा बलों को उनकी जांबाजी के लिए बधाई। आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकर के थाना छोटेपेटी क्षेत्र अंतर्गत बिनागुंडा कोरगुटा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम वादी संगठन के सीनियर डीवीसी कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना डीआरजी कांकर एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागुंडा कोरगुटा इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर रेफर किए गए थे। संभवतः ये सबसे बड़ा जो रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक सफल अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। It's a big operation which was carried out by the security forces, which had the DRG of the Chhattisgarh police as well as the BSF, which was deployed in this area for the elections, and following to which there was a combing operation which was done by the security forces, and till now 29 bodies have been recovered. What we are expecting that the figures can go high. Last month also there were 14 Naxals who were gunned down by the security forces, and in this particular operation which happened today, AK-47 rifles as well as improvised explosive devices as well as those rocket launchers have
been recovered by the security forces. Three of our men have sustained injury, but top sources have told it to us that they have sustained injuries, but they are out of danger. This is a massive operation which was carried out by the security forces, but interestingly, there was 26 Naxals who have also surrendered. Today itself, that happened in Dantewada area, where the IG of the range, P. Sundar Raj, was also part of this particular operation, where the 20 men and 6 female Naxals have also surrendered.